आप लोग, मैं हूँ ईश्वरी महाजन और मैं फिर से एक बार आपके लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी। तो आज है क्रिसमस और कुछ स्पेशल तो बनना ही चाहिए, इसलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ऑरेंज बिस्किट केक। तो चलो फटाफट इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हमें चाहिए 2 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट, 3 ऑरेंज क्रीम बिस्किट के पैकेट, बेकिंग पाउडर, आधा ग्लास ऑरेंज जूस और पिसी हुई चीनी। हमने पार्ले जी के सारे बिस्किट्स लिए हैं और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। अब हमने लिए हैं ऑरेंज क्रीम बिस्किट, इसे भी हमने मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। अब हम दोनों ग्राइंड किए हुए बिस्किट्स को मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें आधा कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी थोड़ी कम ही ऐड करना है क्योंकि क्रीम बिस्किट्स में चीनी पहले से ही थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। वन फोर्थ कप घी ऐड कर देना है, इसे भी मिक्स कर देंगे। वन फोर्थ चम्मच सोडा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके अब हम इसमें ऑरेंज जूस मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही इजी है, झटपट से आप एक ही स्टेप के अंदर ये केक बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ब्लेंड कर दिया। तो ये देखिए, बहुत ही थिक सा, बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही स्मूथ सा ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। पार्ले जी बिस्किट बहुत ही जल्दी गल जाता है जूस के अंदर, तो बस हम हल्का सा इसको ब्लेंड करेंगे, फटाफट से स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको पीसने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आप देखिए इजीली एक मिक्सी जार में पीस के बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये इस तरीके का केक टिन है, इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे मैदे से डस्ट कर देंगे। आप चाहे तो घर पे अवेलेबल किसी भी बर्तन में, स्टील के बर्तन में बेक कर सकते हैं। इसमें देखिए हमने अच्छी तरीके से घी लगा दिया था चारों तरफ से, ताकि केक बाद में अच्छे से निकल आए। मैदा लगाने से ये अच्छी तरीके से बेक हो जाएगा, चिपकेगा नहीं, आसानी से निकल आएगा। अब हमने एक तवे पर नमक फैला दिया है और प्री हीट पर रखा है, हमें इसे 30-35 मिनट तक लो फ्लेम पर रख देना है। इसके बाद ये देखिए ये कितना क्रीमी और कितने सॉफ्ट कंसिस्टेंसी वाला हमारा बैटर है, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। अब हम इसे हल्का सा टैप कर देंगे। तो चलो अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। हमारा ये जो तवा है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, हमने 10 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर गर्म कर दिया था। अब हम इसे 30 से 35 मिनट तक वेट करेंगे होने का बेक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कम से कम 30 मिनट हो गए हैं, केक का कलर बहुत ही प्यारा आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये बेक हो गया है कि नहीं। वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको ये केक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये देखिए हमारा जो केक है ये बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। हम इसे पलट कर देखेंगे कि ये दिखने में कैसा है, हमें इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही निकालना है। आप देख सकते हो ये कितना फुला फुला और सॉफ्ट सा हमारा केक बन चुका है।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई हो और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। मेरे चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।